इन्हें आराम से सो रही है, जैसे दुनिया की कोई फिक्र ही ना हो। सो जा मेरी रानी सो जा, मेरा बाबू सो जा, मेरी प्यारी भूमि सो जा। मेरी वाइफ है और मैं अपनी वाइफ को प्यार से भूमि बुलाता हूँ। सो जा, मैंने इसके गर्दन पे ब्लेड मार दी, मैंने इसकी गर्दन काट दी, क्योंकि आज शाम जब मैं 7 बजे ऑफिस से आया तो ये किसी से फोन पे बात करके बहुत तेज तेज हंस रही थी, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैं एकदम से शॉक हो गया, ये किसी और से बात कर रही है। मेरे कलेजे में आग लग गई, फिर से देखा नहीं गया, इसकी ब्लेड मार दी, मेरे को सुकून नहीं मिला। मैं फिर मैंने चक्कू उठाया और इसके पेट में चक्कू मार दिया। इसके खून की खुशबू आज भी मेरे को दीवाना बनाती है, जैसे 4 साल पहले बनाती थी। हम दोनों फ्रेंड की पार्टी में मिले थे, मैंने इसे पहली नजर में देखा, मैंने इसकी आंखें देखी, मैं इसकी आंखें देखते ही दीवाना हो गया और इसके होंठ देखे पागल हो गया। मैंने इसे अपनी मोहब्बत का इजहार करा और इसने मेरे को हाँ कर दी, और फिर 1 साल बाद मैंने इसे शादी कर ली। शादी करने के बाद इसका प्रमोशन हो गया, और फिर प्रमोशन होने के बाद इसका बॉस के साथ मिलना, रोज रात को लेट घर आना और रोज नए लड़कों को इसे घर छोड़ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने इसे जान से खत्म कर दिया, इसे पूरी नींद में सुला दिया। अब ये किसी से बात नहीं करेगी। सो जा, इसके साथ मैं भी सो जाता हूँ। साहब, कैसे लगी मेरी एक्टिंग? साले एक्टिंग करी है तूने, साले मरा हुआ कुत्ता भी कर ले इससे अच्छी एक्टिंग। साहब, क्या मेरे अंदर टैलेंट नहीं? मैं इतने मम्मी पापा से कह के पैसे लेके मुंबई आया साहब, प्लीज। क्या पैसा ही तो चलता है, देख अभी कैसे एक्टर मंगाता हूं। हेलो, अरे जेडी बोल रहा हूँ भाई। अरे यार, कल के लिए क्या नाम है भाई, बहुत ही हार्ट टचिंग एक्टर चाहिए, मतलब बहुत हार्ट टचिंग एक्टर है, उसके लिए एक्टर चाहिए साइको लवर का, जल्दी से भेज दो, है ना। अरे जेडी यार, कैसे कैसे बंदे उठा लाया, मेरे को तेरे नाम लेके बात करनी पड़ रही है। साहब प्लीज मुझे एक चांस दे दो, मैं कर सकता हूँ, बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ। साले बॉलीवुड है ये वेब सीरीज कोई बन रही है? कैसी एक्टिंग कर रहा है तू? अब मैं तेरे को यहाँ एक्टिंग सिखाने बैठा हूँ, कल का शूट है और आया तो यहाँ मुंह उठा गया। जेडी कौन लाया लड़के लड़के यार, तेरा नाम लेके मैं बदनाम हो रहा हूँ। सब प्लीज मुझे एक चांस और दो, मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ। सब प्लीज मुझे एक चांस दे दो। मैं चांस देने थोड़ी बैठा हूं, चल करके दिखा, चल मैं तेरे को एक्ट देता हूं, वो करके दिखा। सब नहीं प्लीज, लास्ट बार मुझे अपनी स्क्रिप्ट पे एक्ट करने दो, प्लीज सर, लास्ट बार मुझे अपनी स्क्रिप्ट पे एक्ट करने दो, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं। अच्छा चल कर। थैंक यू साहब, इस कुर्सी उधर कर लो हल्की सी। साले तुम्हें सारी चीज चाहिए है, आया था मुंह उठा के यहां पे, हाँ चल कर रहा हूं। तो मां और बाऊजी, मैं
मुंबई आया था अपने सपने पूरे करने। मैंने चोरी करी, चकारी करी, सारे गलत काम करे, मैंने पैसे इकट्ठा किया और मैं आया अपने सपनों के शहर मुंबई। लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। मेरे को लगता है मुंबई को, मतलब बॉलीवुड को मेरी जरूरत ही नहीं है। तो मार बाबू जी, मुझे प्लीज माफ करना, मैं ये कदम उठा रहा हूँ, मैं और नहीं रह सकता इस दुनिया में, क्योंकि जब बॉलीवुड को मेरी जरूरत ही नहीं है, इन्हें तो वही चाहिए स्टार के। तो प्लीज मुझे माफ कर देना, और प्लीज सर ये वीडियो प्लीज मेरे मम्मी पापा तक जरूर पहुंचा देना, और यू कह देना आपका लड़का बहुत अच्छा एक्टर था, बस उसकी किस्मत नहीं थी एक्टिंग करने की, एक्टर बनने की, उसका चांस काम नहीं आया।